मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह विधानसभा की तैयारियों के बीच गुरुवार को खरगोन जिले के कसरावा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक सचिन यादव के साथ कसरावा विधानसभा के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों ने अपने ऊपर बीती आपदा को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने बयां की। इसके पश्चात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बाढ़ को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार किया है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि जो बाढ़ आई थी वो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह सरकार द्वारा निर्मित आपदा थी। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए सरदार सरोवर के गेट बंद कर दिए गए थे, तो वहीं ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए भी गेट बंद कर दिए थे। इसलिए बाढ़ से आई तबाही की जांच सेवानिवृत्त जज से कराई जानी चाहिए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को दिए जा रहे चावलों को प्लास्टिक के चावल बताए हैं। वो अपने साथ चावलों का सैंपल भी लाए थे, जिसे उन्होंने पत्रकारों को बताया। पीड़ितों द्वारा क्षेत्र का दौरा करने की बात को लेकर कहा कि सचिन यादव मेरे पुत्र के समान हैं और वह लगातार आपके बीच जाकर आपकी समस्याओं को मुझ तक भी पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ से वाकिफ हूं और हम आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। सिंह ने भाजपा द्वारा बड़े नेताओं को टिकट देकर विधानसभा में चुनाव में उम्मीदवार घोषित करने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मीडिया से कहा कि उन्हें भारी घबराहट है, भाजपा चुनाव हार रही है। इस अवसर पर सचिन यादव के साथ विधायक केदार सिंह डावर और पांचीलाल मेड़ा भी उपस्थित थे। कसरावा से अखिल खान की रिपोर्ट। हाँ, लाखों लोगों की जिंदगी से खेला गया, बिल्कुल। इसको लेकर कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? हमने मांग करते हैं इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से होना चाहिए और जिन अधिकारियों के कारण बाढ़ आई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपने क्षेत्र का दौरा किया, किस तरीके सरकारी मदद पहुंच पाई, क्या देखा आपने? कुछ नहीं पहुंची है, पटवारी तो हड़ताल पे, मास्टर लोग गए हुए हैं। अब वो मास्टर पढ़ाई कराएगा कि सर्वे करेगा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।